वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ब्लॉग है वो है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज ईद का सेकंड डे और आज जो है हम लोग आज का जो स्पेशल इसलिए दिन है कि आज हम लोग करेंगे कुर्बानी, क्योंकि हमने कल कुर्बानी नहीं की थी। आप वो सारे मुझे बता रहे थे कि हमारा जनवार का मसला आ गया था और आज हमारा जनवार अल्हम्दुलिल्लाह आ गया और हमारे घर आ गया है और आज हम सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, क्योंकि आज हो जाएगी हमारी कुर्बानी। और आज अभी टाइम हो गया सुबह 8 का और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना ईद का जो है कुर्बानी का जनवार, जो कि हमारे घर में ही है। अभी वो लाए हैं हमारे घर में भी, देखें मैं और ये जनवार हम दोनों साथ साथ दो जनवार देखिए, मैं देख रही है ये हमारे कुर्बानी का जनवार जो कि हमारे घर में भी ये जनवार आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह जी बाकी सब के भी आज के लोग आज कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे साथ मसले हुए हैं वैसे उन लोगों के बिस्तार भी मसले हो सकते हैं तो हुए भी होंगे। तो माशाल्लाह से ये जनवार आगे कितना मजे का लग रहा है ना। देर पहले हम सब लोग इकट्ठे हो गए थे, मतलब मेरे चाचू, मेरे कज़न, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा सब आ गए थे और सबका दिल भी खफा हो रहा था कि मुझे मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा खफा हो रहा था कि कैसे किसी जनवार को इंसान जब कर देता है, लेकिन क्या करे, करना ही पड़ता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये कितनी आराम से माशाल्लाह, ये बहुत मासूम है। मेरी बहन कह रही थी कि ये रो रही है ना, तो ये रो नहीं रही है, इसी है मतलब जो ज़रूरत होती है कुर्बानी करने के लिए, जो ये तो आपको पता ही है कितनी ज़रूरी है सारी चीज़ें, रस्सी है, उसके बाद ये सारे कुल्हाड़ी वगैरह जो इसकी ये तो जरूरत होती है मतलब कुर्बानी करने के बाद इस्तेमाल होते हैं। ये मेरा कज़न है, ये भी पास खड़े होकर देख रहे हैं और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है, जैसे कि आप लोगों ने देखी है वीडियो कुर्बानी हो गई है। उसके बाद दिन को हमारे मामू कज़न से हमारे घर आए थे तो भी वो भी चले गए अपने घर को, मतलब हमारा सारा जो जितना भी काम था सारा ख़त्म हो गया, सब अपने घर को भी चले गए और हमारे घर में अभी फिर खामोशी हो गई और अभी टाइम हो गया है शाम का, मगरब होने वाली है तो अभी बस कुछ भी नहीं है, फिर मैं बैठी हुई हूँ अकेली बोर हो रही हूँ, कोई काम भी नहीं है करने को। मैंने तो घर में भी किसी मतलब जो काम था कुर्बानी वगैरह का मैंने घर में भी वो काम भी नहीं करवाया, मतलब सब थे काम करने वाले तो मेरे काम करने की ज़रूरत उनको महसूस ही नहीं हुई। तो मामा उन लोगों ने मुझे बोले तो बस मैं फ्री थी सारा दिन, फ्री बैठ 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 के जो भी बस फ्री हूँ बैठ के बोर हो रही हूँ, कभी क्या कुछ करने को ही नहीं है, ना किसी घर जा रही है ना किसी को हमारे घर, किसी घर भी नहीं गए ना कुछ और, बस मैं तो बोर ही हो रही हूँ घर में बैठ 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 के। आप सब लोग कहेंगे हमें बताएँ तो मैं आप एक बात ही सुन लूँ, तो भी बस अभी बार कोई आया देखते हैं, तो मैं जाती हूँ देखते हैं, मुझे तो शायद दूध देने के लिए आए हैं, आज मैं बताती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि दूध वाले होंगे तो ये दूध वाले अंकल दूध देने आए हैं, इसको भी रखते हैं और बॉयल करते हैं। दूध अभी बॉयल हो रहा है अभी, तो मतलब ये स्टार्ट हुआ, इसको टाइम लगेगा बॉयल होने में, तो अभी ये बैठ जाते हैं अंदर किचन में, तो गर्मी है। आप लोगों को एक और बार बताती हूँ, मेरी मम्मा ने ऐसा किया ना तो ऐसा करना ही चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसे ही करना चाहिए। मेरी मम्मा जो है ना उन लोगों उन्होंने गोश्त जो है अपने घर में थोड़ा सा इतना सा रखे ना, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे मैं वहाँ से बैठी हुई थी तो वो लोगों को दे रही हैं, मतलब दे रही हैं देती हैं सबको, तो दे रही हैं दे रही हैं। मैं बैठ के देख रही हूँ मम्मा क्या कह रही है ना, सारा दे दी है और मम्मा को बोलती हूँ मम्मा थोड़ा सा उनके घर के लिए छोड़ लें, अगर हमारे लिए क्या खाना कुछ खाने का तो हम भी बना के खा लेना, तो कहती हैं कि हाँ थोड़ा सा छोड़ा है तो खा ले। मेरे को थोड़ा सा देखे थोड़ा सा ही था, मतलब जितना हम लोग आगे बंधे तो थोड़ा सा ही था बिल्कुल, तो बाकी मम्मा ने दे दिया। तो मेरी बहन कहती है जिस वजह से कुर्बानी की है हम लोगों ने तो उस वजह वो ही हम लोगों ने करना है, ये तो नहीं हम लोग घर में रख लेना, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक बोल रही है, तो आप लोग भी ऐसा किया ये ना कुर्बानी करके अपने घर में रख लिया करें, तो कुर्बानी हम दो कुर्बानी करके अपने घर में सारा ना गोश्त रखा करें, लोगों को भी दिया करें जिनका। मेरे घर में बात थी तो कहते हैं कि आपने थोड़ा सा अपने घर के लिए रख लें तो ये सही बोल रही है ना, मन थोड़ा सा रख लें तो चलो अल्लाह को जो इतना रखे काफ़ी है, जो दिए है अल्लाह की राम अल्लाह कबूल करें, तो ये भी मेरे साथ साथ घर देख रहे हैं दूध वाले हो रहे और ऊपर आ गया। ये देखिए अभी दूध गिरने लगा था तो मैंने शुक्र से देख लिया है और ये दूध बच गया है और दूध नीचे जा रहा है। चले ये तो ये मेरी बहन है और ये जा रही है अभी मेरे आंटी के साथ उनकी मम्मी के घर में,
मतलब मेरी आंटी जा रही है मम्मी के घर, वो के घर जाती है प्रैंक आपके साथ हो गए, वो जा रही है मम्मी के घर, मैं शादी में जा रही हूँ, मेरी नहीं जा रही, फूफो के घर जा रही हूँ। वो कौन सी है हमारी शेख फूफो के घर प्रैंक? अच्छा ये हमारे गांव में जा रही है, तो अभी ये जा रहे हैं मेरे पापा के घर में, मेरे पापा की कजन, मेरे पापा के जो है वो कजन है तो उनके घर जा रही है, सब चले गए हैं, मेरी आंटी लोग भी, मेरे सिस्टर, मेरे कजन सब चले गए हैं। अभी मुझे लेके ही नहीं गई, मुझे किसी ने पूछा ही जाओगी या नहीं जाती मेरी, मुझे कोई कुछ लेके लेके जाएंगे ना, वो मेरे घर में बैठ पड़ेगी। आप लोग बताएं आप लोगों को कल वाला ब्लॉग कैसे लग गया ईद वाला? तो आज तो हम लोग बस नॉर्मली थे, इतना हाथ के गिर रहे क्योंकि घर में काम वगैरह भी था तो वो भी सारा किया है। इसके बाद अभी हम लोग हो गए बिल्कुल फ्री और हम इसी हो गए। अभी एक नुकसान जो मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं दैनिक बताओ, मैं कभी भी किसी के साथ अगर नेकी करूं ना मुझे का सिला हमेशा मिलता है उल्टा। ज़्यादातर मेरे साथ ऐसे होता है अगर मैं किसी के साथ कोई अच्छा काम कर दूं तो मुझे वो सिला हमेशा ज़्यादातर उल्टा ही मिलता है, मीन्स के बहुत काम ऐसे होता है कि मुझे उसका सही सिला मिल जाए, पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। हम लोग छोटे होते थे तो हमें कितना मज़ा आता था ईद का, तो अभी जब जब बड़े हुए तो वैसे कुछ मज़ा ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों आज का जो बच्चों का बचपन है ना वो भी हमारी तरह का नहीं है, मीन्स कि इतने पुराने नहीं हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारे बचपन में हमें मज़ा आता था सब कुछ, लेकिन अब जो बच्चों बच्चे हैं इस मतलब इस दौर के हो जाते हैं स्कूल को वापस आकर सबक को फिर ट्यूशन को फिर रात को सो जाते हैं बस, मतलब बिल्कुल काम मोबाइल जाते हैं कुछ। हमारे जो मेरे चाचू का एक बेटा है राफी छोटा है वो आपने देखा हुआ है, उसे तो हम लोग कितना हाथ के बैठ बैठते हैं। मेरा भाई जवाद है माशाल्लाह से भी वो नाइन्थ में हो गया है, उसे भी हम लोग कितना हाथ भाई नहीं बैठते, वो भी मैच खेलने के लिए जाते हैं तो बस, उसके अलावा वो कहीं भी जाए तो हमें ज़रूर पता है, लेकिन हमें हम उसको कितना हाथ के बैठ बैठते ही नहीं है। तो आजकल का माहौल भी नहीं ठीक, और ईद की बात कर रही थी मैं, अब ईद वैसे लगती नहीं है बस नॉर्मली लगती है, पहले ईद का कितना मज़ा आता था सब, तो अब ना ईद का मज़ा आता है ना कुछ और, पता नहीं।